आपने बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियों को देखा है जो फिल्मों में राजकुमारियों का किरदार निभाते हुए नजर आती हैं और अपने राजकुमारी के किरदार को बखूबी पर्दे पर दर्शाती भी हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्हीं में से कई एक्ट्रेसेस भी ऐसी हैं जो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं ये किरदार निभाती, बल्कि ये रियल लाइफ में भी ये एक्ट्रेस राजकुमारियां हैं। जी हाँ, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं कुछ अभिनेत्रियों से रूबरू करवाने वाले हैं जो रियल लाइफ में है राजकुमारियां। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक, किरण राव। आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। हालांकि कभी ये फिल्मों में नजर नहीं आई, लेकिन किरण राव तेलंगाना के महबूब नगर के राजघराने से बिलोंग करती हैं। बता दें, इनके दादा रामेश्वर वानापार्थी के राजा रहे हैं। नंबर दो, अदिति राव हैदरी। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी शाही परिवारों की वंशज हैं। उनके नाना रामेश्वर राव वानापति राज्य के नेता थे, जबकि उनके दादा मोहम्मद सोहेल अकबर हैदरी थे। बता दें, अदिति राव हैदरी और किरण राव दोनों चचेरी बहनें लगती हैं। दोनों ही एक राजवंश से बिलोंग करती हैं। नंबर तीन, भाग्यश्री। फिल्म मैंने प्यार किया से फिल्म में अपना करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री बॉलीवुड की एक रियल लाइफ प्रिंसेस है। वो महाराष्ट्र स्थित सांगली के पटवर्धन घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता विजय सिंह राव माधवर्धन पटवर्धन सांगली के राजा थे। नंबर चार, सोनल चौहान। इस लिस्ट में अभिनेत्री सोनल चौहान का भी नाम शुमार है। सोनल चौहान यूपी के रॉयल राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, उनका एक बड़ा भाई है और दो छोटी बहनें भी हैं। इन्होंने फिल्मों में आने से पहले 2005 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। नंबर पाँच, सोहा अली खान। बॉलीवुड के एक्ट्रेस सोहा अली खान नवाब खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मंसूर अली खान साल 1952 से 1971 तक पटौदी के नवाब रहे हैं। सोहा के दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी खानदान के 8वें नवाब थे और उनकी दादी साजिदा सुल्तान भोपाल की बेगम थी। नंबर छह, सारा अली खान। एक्ट्रेस सारा अली खान भी शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा मसूर अली खान पटौदी के नवाब थे। उनके पिता एक्टर सैफ अली खान हैं, जो फिलहाल अपनी विरासत संभाल रहे हैं। और साथ रिया सेन और राइमा सेन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन और राइमा सेन दोनों बहनें हैं और दोनों शाही परिवार की राजकुमारियां हैं। उनके पिता भारत देव वर्मा त्रिपुरा राजघराने से हैं और उनकी माँ मुनमुन सेन बड़ोदरा रियासत के राजा सयाजी राव गायकवाड़े की तीसरी बेटी हैं। इतना ही नहीं, रिया और राइमा की दादी ईला देवी भी बिहार की राजकुमारी थीं। नंबर आठ, अलीशा खान। एक्ट्रेस अलीशा खान बेशक फिल्मी दुनिया में अपने हुस्न का जादू नहीं चला पाई, लेकिन एक्ट्रेस अपने परिवार की क्यूट राजकुमारी हैं। अलीशा खान का जन्म मोहम्मद नवाब गाजियाउद्दीन खान के शाही परिवार में हुआ है, जिनके नाम पर दिल्ली के सटे गाजियाबाद का नाम रखा गया है। नंबर दो, सागरिका घटगे खान। चक दे इंडिया से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस और क्रिकेटर जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटगे कोल्हापुरी के शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं। सागरिका बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विजेंद्र घाटगे की बेटी हैं। नंबर 10, मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला का जन्म काठमांडू नेपाल में राजनीतिक रूप से प्रमुख ब्राह्मण कोइराला परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं, जबकि उनकी मां सुषमा कोइराला एक हाउसवाइफ हैं। उनका एक भाई है सिद्धार्थ कोइराला, जो एक अभिनेता है। तो दोस्तों, आप इन बॉलीवुड के रियल लाइफ राजकुमारियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।